आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको रिस्क में बरकत का वजीफ़ा बताएंगे कि मालदार किस तरीके से बने। दोस्तों, बहुत सारे लोग माली परेशानी की वजह से परेशान होते रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वह बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पर दोस्तों, हर इंसान दुनिया के अंदर इस बिजी वक्त में अपने कमाई के साधनों में ही लगा रहता है, पर उसका इबादत की तरफ ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, कुछ वजीफे ऐसे होते हैं, अगर आप उनको करें तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल रिस्क में बेहिसाब बरकत होती है और इंसान मालदार हो जाता है और बड़ी ही जल्दी मालदार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक वजीफ़ा बताने वाले हैं जो आपके रिस्क में बरकत ला देगा। दोस्तों, इस वजीफे को जुम्मे के दिन करना है, यानी फ्राइडे के दिन आपको इस वजीफे को करना है। दोस्तों, यह वजीफ़ा कैसे करना है और किस तरीके से करना है यह हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और वह लोग भी इस वजीफे को करें और उनका सवाब भी आपके खाते में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। जो शख्स जुम्मे के दिन यह कलमात को 70 मरतबा यानी 70 टाइम्स पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके रिस्क में बेहिसाब बरकत होगी। दोस्तों, इस वजीफे को करने का तरीका भी सुन लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बावजू होना है और फिर वज़ू करने के बाद आपको मुसल्ला बिछा कर इन कलमात को पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जौन सी भी दुरूद शरीफ आपको आती है वह दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर दोस्तों, इन कलमात को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ बिस्मिल्लाह सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार पढ़नी है और फिर यह कलमात डायरेक्ट 70 मरतबा पढ़ने हैं, जिसे दोस्तों मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा अग्निनी बेहलाले का अन हरामे का वक्फीनी बेफ़दले का अमन सेवा का। अल्लाहुम्मा अग्निनी बेहलाले का अन हरामे का वक्फीनी बेफ़दले का अमन सेवा का। अल्लाहुम्मा अग्निनी बेहलाले का अन हरामे का वक्फीनी बेफ़दले का अमन सेवा का। दोस्तों, इसी तरीके से आपको यह कलमात 70 मरतबा यानी 70 टाइम्स पढ़ने हैं। दोस्तों, फिर आपको इन कलमात को पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आप अल्लाह ताला से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस वजीफ़े को करने की कबूलियत की दुआ मांगे और फिर अपने रिस्क को लेकर दुआ मांगे। और दोस्तों, जो भी दुआ आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को दिल से शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल।